यानी जन भावना का कदर करना ही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का तुम अगर कदर नहीं करते हो तो ये कोई लोकतंत्र नहीं, ये हिटलरशाही है, ये हिटलरशाही है। लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रखता। क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है साइन बाग? क्या तुमको हैदराबाद दिखाई नहीं दे रहा है? तुमको आसाम दिखाई नहीं दे रहा है? तुमको कश्मीर नहीं दिखाई दे रहा है? अवाम रोड पर है और तुम क्या लोकतंत्र के लोग का आवाज चाहते हो? जन आक्रोश में है और तुम कान में तेल दे करके सो गए हो। और अमित शाह माइक में आकर के क्या कहता है कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ए अमित शाह, तुमको पता नहीं है, तुम अगर एक इंच अगर पीछे नहीं हटना चाहते हो तो भारत के लोगों ने, जो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, महादलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, सब कोई कसम खा चुका है, तुम पीछे हटना नहीं चाहते हो। आने वाला समय में तुमको गर्दनियां भी देना जानता है हिंदुस्तान के लोगों ने। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि सिर्फ यही सरायगुड़ी तीन मुखिया में ही प्रोसेस नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे गांव गांव, पंचायत पंचायत, ब्लॉक ब्लॉक ही तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम लोगों का आंदोलन अगर दिल्ली तक जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं खास करके नौजवानों से कहना चाहूंगा, अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, ए नौजवान भाई, जिस दिन अपने हाथ में ठान लेंगे आप कि हम मरने से नहीं डरेंगे, उस दिन कोई भी काम आपसे होने से पीछे नहीं हटेगा। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, ये नौजवान भाई, अगर आजादी लेना चाहते हो तो अपने आप में हिम्मत लाओ, अपने आप को ये सोच लो कि हमको कोई यही कर सकता है कि जेल में डाल सकता है, यही कर सकता है कि मुझे गोली मार सकता है। अगर तुम ये ठान लोगे कि हमको कोई गोली मार सकता है, उससे बड़ा क्या कर सकता है। मैं तो चैलेंज करता हूं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कि तुम सुन लो कान खोल करके, तुम तो भगाने के लिए क्या पाओगे, हम तो भागेंगे नहीं। हम हयात से भी रहे तो यहां रहेंगे, और मौत भी अगर मेरा हो गया तो कब्र भी मेरा भारत में होगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, इस लड़ाई को आंदोलन देने का जरूरत है। आंदोलन का रूप जिस दिन ले लेगा उस दिन इस कानून को हम लोग छीन लेंगे, और हक मांगने से नहीं मिलता है। यकीन के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हक मांगने से नहीं मिलता है, हक छीनना भी पड़ता है। इसलिए अगर हक छीनना है तो हम लोगों को हक छीनना सीखना होगा। और